अच्छा, अब हमारा टॉपिक है शेख सादी के अकवाल की रोशनी में दसों पर मुश्तमिल एक मज़मून तैयार कीजिए। शेख सादी के अकवाल की रोशनी में मज़मून ज़ात, किरदार, सीरत और आदात की तरबियत हर अक्लमंद इंसान के लिए ज़रूरी है। शेख सादी के अकवाल व दानाई और हिकमत से भरपूर हैं। शेख सादी के अकवाल दानाई और हिकमत से भरपूर हैं। इन अकवाल की मदद से ज़ात और किरदार की बेहतरीन अंदाज में तरबियत की जा सकती है। इंसान की ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त रिस्क के हुसूल में गुज़रता है और इसी तरह वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। इसलिए शेख सादी ने फरमाया कि दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो और रात की तारीकी में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। इसलिए शेख सादी ने फरमाया कि अगर दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो लोगों पर इसी तरह एहसान करो जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान फरमाया है। यहाँ तक करने के बाद फिर यहाँ से एक पैराग्राफ बना दें। माशरे में एक दूसरे से ताबुन और एक दूसरे की मदद करना हम सब पर फ़र्ज़ है। इसलिए शेख सादी का कौल है कि एक अच्छे अमल से किसी को दिली खुशी देना उन हज़ार सजदों से बेहतर है जिसके पीछे रंज छुपा हो। मालो दौलत का लालच और हविस इंसान को खुदगर्ज बना देते हैं। वो सारी ज़िंदगी दौलत जमा करता रहता है और जब वो मर जाता है तो उसका माल क्या हुआ, माल जमा किया हुआ माल उसके किसी काम नहीं आता। इसलिए शेख सादी ने फरमाया कि दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। इंसानी हमदर्दी और दूसरों की तकलीफ का एहसास करना ही इंसान को उसके मकाम और मर्तबा अता करता है। अगर ये ना हो तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं। इसलिए शेख सादी का कौल है जो दूसरों के गम से बेताल्लुक है वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं। हमेशा अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि सोबत का रंग ज़रूर चढ़ जाता है। शेख सादी कहते हैं कि जो बुरी सोबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। शेख सादी के अकवाल दानिशो हिकमत और नसीहतों से भरपूर हैं। उनकी मदद से इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगियों में बेहतरी पैदा की जा सकती है। अच्छा, शेख सादी का ज़िक्र जो कारवाने उर्दू है 5th क्लास की उसमें भी मौजूद है, 4th क्लास में भी मौजूद है, इवन 3rd क्लास में भी इनके अकवाल के ऊपर चैप्टर मौजूद है। ये मैं बात कर रही हूँ कारवाने उर्दू की। इसके अलावा जो हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड है इसमें भी 5th क्लास की उर्दू की बुक में भी शेख सादी के अकवाल से मुतालिक चैप्टर मौजूद है।